जा पुत्र रोटी खा ले, सवेरे से तूने कुछ नहीं खाया, आ जा शाबाश। नहीं अम्मा, मैं बाबा के बगैर नहीं खाऊंगी, पर वो कब आएगा? क्या पता, हर वक्त वैली में लगा रहता है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, तेरे बाप की तो हड्डियां ही गल जाएंगी इस खिदमत में। तो तू उसे समझाती नहीं अम्मा? या लगन, अम्मा, बस बस बस, बस, बस। अल्लाह, तू तो बड़ी डरपोक है अम्मा। नहीं बेटा, खैर की दुआ मांग, आग औरत के दुपट्टे को लग जाए तो बुझकर भी भड़कती चली जाती है, बुरा शगुन होता है, अल्लाह खैर करे। जैसे थे तुझे तो कुछ पता ही नहीं। कब हुआ ये? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। कल रात, कल रात, इसीलिए तो मुझे उन लोगों ने आने नहीं दिया, किसी को हवेली से बाहर निकलने नहीं दिया, सब कुछ छुपा लिया था, मगर ऐसी कयामत कहाँ चुभती है मेरा, कहाँ चुभती है, अब छोड़ा हम सबको। तभी तो मैं परेशान थी कि तू सवेरे क्यों नहीं आया। कैसे आता, कैसे आता सवेरा, मुझे तो अब भी वापस जाना है। चौधरी ना साहब का हुक्म है कि कोई भी जाता से हवेली से बाहर नहीं रहे। मेरा मुझे तो डर लग रहा है, दुआ कर खैर हो। अल्लाह करीम है गुलाम साहब, मियाँ जी तो बहुत अच्छे थे। हाँ शायद इसीलिए, मैं चलता हूँ। गुलाम साहब, तू रोटी तो खा ले, कहाँ जा रहा है, फिर पता नहीं कब मिलेगी। बाबा चुप हो जाना, देख तेरे रोने से मियाँ जी तो वापस नहीं लौटेंगे ना। दैनू तू दरवाजा बंद कर ले, मेरा दैनू का ख्याल रखना, बार बार पुलिस है। मैं ख्याल रख, बड़ी समझदार जी को। हाँ बस बाबा, वो तो हमारा छप्पर था, इतना सब हो गया। मैं चलता हूँ। तू रोटी खा ले, जैनू ने सवेरे से तेरे इंतजार में रोटी नहीं खाई, थोड़ी सी खा ले। पागल हुई हो, सारे गांव की भूख उड़ गई है और तुमको खाने की लगी है। रहने दे अम्मा, तू जा बाबा, जा। अच्छा मैं चलता हूँ, अंदर से कुंडी लगा देना, मेरे इंतजार में दरवाजा खुला नहीं छोड़ना। जा बाबा। फातिमा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो, मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है, जाने क्या होगा। जनू तू कहाँ जा रही है? दिख नहीं रहा, आटा लेने जा रही हूँ। पागल हो रही है, लोग बाजारों से घरों को जा रहे हैं और तू बाजार जा रही है। ओए तो खाना पीना छोड़ दें क्या? इस जब्बार के आदमियों ने तूफान खड़ा किया हुआ है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा जब्बार? तू समझती क्यों नहीं है, जिद क्यों करने लगती हर बात पे? अरे पागल हुआ है क्या तू, हट मेरे रास्ते से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ जी, मियाँ जी सबके बाप थे, बड़े शफीक, बड़े नेक, उन्हें कत्ल कर देना बड़ा जुल्म है। भाइयों, आप लोगों को तो मालूम है कि मियाँ जी के बाद चौधरी न्याज ही उनकी औलादों में से ही आए, इसलिए मियाँ जी की पग इन्हीं का हक बनती है। बेशक, बेशक। बैठो जवाब। भाई जी, अच्छे इंसान के बहुत दुश्मन होते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। दुश्मन बाहर का नहीं लगता चौधरी साहब, उसे यहीं कहीं तलाश करें। उसे तो बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। उनका दुश्मन कौन हो सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो लोगों को इज्जत दी है, जो मान दिया है, उससे तो उनके दोस्तों में इजाफा होना चाहिए।
आप ठीक कहते हैं, अब हमें उन जैसा कोई मिल नहीं सकता। भाई लोगों, मैं उनका बेटा हूं, उनका वारिस हूं, उन्होंने ही मेरी तरबियत की है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उनकी कमी महसूस ना हो। जबार जी भाई, इन लोगों को रोटी पानी खिला देना। चलो भैया आओ। ठीक कहता है हाशिम, तू उसे बिला वजह ना लड़ा कर। अम्मा तुम्हें मुझे इतना रोब क्यों जमाता है? ओ भाई, इसमें रोब जमाने वाली कौन सी बात है, तेरा पापा भी तो यही कह के गया था ना, इसीलिए तो मैं जा रही थी। एक नंबर का लफंगा है जब्बार। तो तुम लोग हर किसी से डरते रहना। और ये जब्बार अपने गांव में क्यों नहीं रहता? सोनिया का भाई जो हुआ, वो कहते हैं ना, सारी खदाई एक तरफ और तू मुझे किन बातों में लगा देती है। चल आ रोटी डाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा ने सालन भेजा। अच्छा भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बात है, वो यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? और तू बाहर तो नहीं गई थी? देखा मत, देखा तूने इसे? ओ चुप कर, वो तो हवा से भी लड़ने को तैयार रहती है, तेरे भले की कह रहा है। पुत्र मैं बर्तन खुद ही बचा दूंगी। अच्छा अच्छा खाना। चल अब रोटी डाल जल्दी। दादा क्या आदमी भिजवा दिया था? जी चौधरी साहब, सरदारों को भेज दिया है। हम अकेले हो गए भाई, अल्पी साहब हो गए, अब्बा जी हमको छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया भाई जान, आपने भी देर लगा दी। मुझे भी तो देर में इतला मिली ना। मैं अकेला था भाईजान और माँ जी की हालत बहुत खराब थी और पुलिस जोर लगा रही थी कि पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हमारे कलेजे पे और चरखे लगाए जाए। मुझे तो होश भी नहीं था भाईजान, और आपको क्या बताएं कि हमारे यहाँ क्या कयामत गुजरी है। मैंने तो आखिरी वक्त में उनकी शक्ल तक नहीं देखी भैया। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं कि मुझे सहारा देता, भाग तोड़ करता। अगर सोनिया ने जबार को नहीं बुलाया होता तो हौसला करो। देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर क्या बनेगा? अम्मा कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है भाईजान, ट्रैंकुलाइजर दे रहा है डॉक्टर। आप चले ना, अम्मा जी को सहारा दे चल के। तुम तो हौसला करो ना न्यास, तुम हौसला करो। देखो अम्मा को भी संभालना है। जब से आई हूं मुसलसल सो रही हूं। माँ जी हमारे सिर से साया उठ गया बाप का, बहुत शफीक बाप थे। नियाज, नियाज नहीं आया अभी तक? जी माँ जी, मैं फयाज हूँ। आप आराम करें। तू आ गया?
हाँ माँ जी, बस मत बोली थी मुझे। न्यास, इतना डोज ट्रैंकुलाइजर्स का माँ जी के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें नुकसान भी हो सकता है। भाई साहब, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ा सदमा है, इन्हें कुछ दिन और आराम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है माँ जी को इलाज के लिए शहर ले जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, इद्दत पूरी किए बगैर कैसे जा सकती है? हम लोग इन बातों का खास ख्याल रखते हैं। माँ जी, माँ जी। चले भाभी, माँ जी को आराम कर लेते। जुल्म है और जुल्म को छुपाना भी जुल्म होता है। तू पुलिस को बता दे। चुप कर जा, अगर मैं तुझे नहीं बताता तो मेरा कलेजा फट जाता। तू अपनी जुबान बंद रखना, जालिमों के खिलाफ कोई नहीं सुनता, कौन जुबान खोलेगा? जिंदगी किसी प्यारी नहीं होती। खुदा के वास्ते तू चुप रहना। अब क्या होगा फिर? तू सुबह सवेरे सैनू को लेकर हवेली चले जाना, पता नहीं माँ जी किस हाल में होगी, मुझे तो अब उसकी फिक्र लगी है। माँ जी बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। टेस्ट तफ्तीश कौन कर रहा है? भाईजान, मैं खुद कर रहा हूं। नहीं नहीं, मेरा मकसद है कि ऐसे चो कौन है भाईजान, ये आप मुझ पे छोड़ देना। नहीं, मैं तफसील से जानना चाहता हूं कि बाबा को क्यों, किसने और कब कत्ल किया? घर में इतनी नौकरों की फौज है, उसके बावजूद उसे किसी ने नहीं देखा। 3 दिन गुजर जाने के बाद ना अभी तक तुम उसे पकड़वा सके हो, ना तुम ये जान सके हो कि आखिर किसने क्यों कत्ल किया बाबा। भाईजान, भाईजान, अगर मुझे इस बात का पता चल गया ना तो मैं उसे फांसी पे लटकवा दूंगा, ख्वाब हो कोई भी हो, मैं कसम खाता हूं। मैंने जी, मैंने उसको देखा है। तुम गुलाम हुसैन हो ना? जी जदीर साहब। तुमने देखा है उसे? हाँ, मैंने उसे देखा है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। वो रात को अंधेरा भी बहुत था ना, आपने कहा था ना जी, आप उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो उसे फांसी पर लगा देंगे। गुलाम से, तुम घबरा क्यों रहे हो? देखो, अगर तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी तो फिर ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, तुम जानते हो कि शक करना किसी बेगुनाह के ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। आपने कहा था ना कि आप उसे नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा शायद। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बात तुमने थाने में जरूर बतानी है। अभी चुप रहो, जमा जाओ, इसको पानी पिलाओ, इसका खून खुश्क हो जाए। अगर इसने कातिल को देख लिया होता तो शायद वहीं मर चुका होता। ले जाओ। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और आज कातिल आ गया। भाईजान,
भाईजान अब तो आप मुतमईन है ना? देखिए यहां के तौर तरीके का आपको बिल्कुल पता नहीं है। वैसे जब्बार के सामने आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि क्या पता कौन क्या है। न्याज़ ये वैसे काफी अहम आदमी है, इसका तुमने खास ख्याल रखना है। हाँ भाईजान, मुझे ये इल्म नहीं था, अब तो मुझे मालूम हो गया कि ये खास आदमी, और मैं इसका खास ख्याल रखूंगा। परवीन, तुम्हें किसने बताया? पता नहीं कौन था माँ जी, इत्तला देते ही फोन बंद कर दिया। वो तो यहां से तस्दीक की तो पता चला। उन्होंने असमत को भी फोन किया था, लेकिन उसे कोई इत्तला नहीं है। वो तो बेचारी अस्पताल में थी। फयाज ने जावेद को बता दिया और सख्ती से मना किया है कि इसमत को पता ना चले। भाभी, डॉक्टर ने माजी को आराम के लिए कहा है, अब बाहर आ जाए। और हाँ, बाहर कुछ लोग आए हैं ताजियत के लिए, अब बड़ी है, मिल ले उनसे। मैं ठीक हूँ सोनिया, इसे तू मेरे पास रहने दे। माँ जी, आप ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है, ये दवाई ले। आप ला, मैं पिला देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, दवाई खिला के ना बाहर आ जाए। भैया कहाँ है? माँ से मिलने नहीं आएगा? कैसी बात नहीं कर रही है माँ जी, क्यों नहीं मिलने आएंगे, बल्कि वो तो आए भी थे आपसे मिलने, आप जरा नींद में थी, आपको याद नहीं है। वो तो माँ जी बहुत अजियत में, पता नहीं दरमियान में सब क्या हो रहा है। आप आराम करें, ये दवा खा। नहीं नहीं, तू रख दे, मैं खा लूंगी। अच्छा, याद से खा लीजिएगा। हाँ, आप फयाज को अपने पास बुला लें, उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। रात भी नहीं आया मेरा बाबा। शहर से चौधरी फियाज आया हुआ है, इसलिए मेहमानदारी हो रही होगी बहुत।
वो एक बाबा ही है पूरी हवेली में, इतने अट्टे कट्टे जवान फिर रहे हैं, उनसे कोई काम नहीं लेता। नमक खाता है उनका, खिदमत तो करेगा ना। हाँ, सारी नमक हलाली उसी ने करनी है। दो रातों से सोया तक नहीं है मेरा बाबा, मां नींद आती होगी उसे। दो रातों से इसने अपने बाबा को नहीं देखा है, इसीलिए खोल रही है। अम्मा, माँ जी के पास हवेली गई थी क्या? हाँ, मैं गई थी हवेली। माँ जी को देख के तो मेरा दिल फट रहा था, उठने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन वो है ना न्याज की बीवी, पपरी भी शेर नहीं बनी हुई थी, मुझे तो एक आंख नहीं भाती है वो। भाई, खाना खाकर जैनू को छोड़ो। अच्छा, रहने दे, चली जाऊंगी मैं। अच्छा खाला, ना ओ, रुक जा रुक जा, रात है, छोड़ आता हूँ। चलो अम्मा, कुंडी लगा ले। हाँ हाँ बेटा। बस बेटा, ना वो अपनी कुछ कह सके और ना मैं उन्हें कुछ बता सकी, एकदम ये सब कुछ हो गया। बस माँ जी, अल्लाह की यही मर्जी थी। वो फयाज को बहुत याद करते थे, तुम्हें और सरफराज को पूछा करते थे। मैंने फयाज से कई मर्तबा कहा कि चलते, लेकिन बस वो काम में इस कदर मसरूफ रहे कि आना ही ना हो सका। बस बेटा, उनके नसीबी में नहीं था बेटे की शक्ल देखनी। माँ जी, अब आप हमारे साथ शहर चलें बस। भाभी, माँ जी इधर से पहले शहर नहीं जा सकती। अब बेगमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ, माँ जी को आराम करने दो। कोशिश कर रही हूँ, दो चार दिनों में चले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, सारा मामला बिगाड़ोगे क्या? एकदम क्यों फैसला कर लिया जाने का? परवीन, देखो बात होती है रवैयों की, और सोनिया का रवैया मुझे तुम्हारे साथ कुछ मुनासिब नहीं लगा। इससे क्या होता? मैंने कोई शिकायत नहीं की है, और ये घर आपका भी तो है, आप कोई मेहमान तो नहीं है यहाँ। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे शहर जाकर कुछ अपने जाती काम भी निपटाने। आप कहें तो मैं और सरफराज यहीं रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि सारे काम तो अंजाम पा चुके हैं और मुनासिब नहीं है यहाँ मजीद ठहरना। इस्मत बेचारी भी न्याज से की बीमारी की वजह से, मुझे तो डर लग रहा है कहीं न्याज भाई इस बात का बतंगड़ ही ना बनाए। नहीं नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा देर ना रहें। चल, जैसे आपकी मर्जी। जैनब पुत्र, सोनिया ने मुझे बुलवाया है, काम बहुत बढ़ गया है, बेगमा के बस का नहीं, फिर मेहमान भी तो बहुत हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू दाल पका के रखना। अच्छा अम्मा, अम्मा अब्बा ने मेरे ऊपर ऐसे पैर बिठा दिया जैसे कत्ल मैंने ही किया। नहीं अम्मा, मैं भी चलूंगी। ओह, चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं, क्या हालफाल बक रही है। मैं इन दीवारों शिवारों से नहीं डरती, सच और झूठ की पहचान तो होती होगी ना इन्हें।
देख पुत्र, सच्ची बात है, मैं और तेरा बाबा जब बाहर से बहुत डरते हैं, जब तक वो हवेली में है ना। अम्मा, वो अम्मा रब न चाहे तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा चल, मेरा क्या है, जब रात को तेरा बाबा तेरा टेट बंद पाएगा ना, तब तो ठीक होगी। खैर अम्मा, मैं चादर ले आऊं। फैयाज क्यों चला गया? पता नहीं, कह रहे थे काम है। वैसे माँ जी, लगता है बात उनके दिल से निकली नहीं है। कौन सी बात? वही आपके बाबा जी की नाराजगी वाली। वैसे बाबा जी तो उन्हें माफ कर ही चुके थे, और आप भी। उनके दिल में हमारे खिलाफ नफरत भरने वाली ना उनकी अपनी बीवी है, और बेटा भी इनका कम नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? परसों बीत गए, भला इस बात का क्या जिक्र? ठीक है, हमें उसकी ये बात बुरी लगी थी कि उसने शहर में जाके शादी कर ली। अब तो वो औलाद वाला है, और परवीन भी ऐसी औरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो, वो पहले भी आ चुका है तुम्हारे बाबा की मौजूदगी में। भई हमारा दिल तो साफ है। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो चला गया? लो, हम निकाह करना। वैसे भाभी जायदाद की बात करने लगी थी, अब ये मौका इन बातों का तो नहीं था ना। खैर आप परेशान ना हो, ये दवाई खा ले। वो क्या कह गए कि वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ, दवाई ले आप। नहीं नहीं, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। इसके खाने से मेरा दिमाग सुन हो जाता है और मुझे नींद आने लगती है। माँ जी, ये आपके लिए दवाई बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने बोला आपको सुकून की जरूरत है। ये ले। लाओ। जिस सुकून की मुझे तलाश है, वो इस घर में शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। चले अब लेट जाएं, आराम करें। बड़े जमींदार का शमला तो चौधरी फयाज का था। चौधरी नियाज ने बड़ी ज्यादती की। तो वो चला क्यों गया? कब तक रहता कारोबार उसका? मेरे से बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? बाबा आज तो नहीं जाओगे ना? जाना तो पड़ेगा बेटी, लेकिन सवेरे आ जाऊंगा। जब करम दिन आ जाएगा तो मेरा बार हल्का हो जाएगा, रात को वो रहेगा। तू फटाफट खाना निकाल बेटी, आज मैं तेरे साथ खाऊंगा। सलाम भाई। हाँ फातिमा बहन, ठीक हो ना? हाँ, करम है मौला का। तेरा भाई चला गया? हाँ, उसके भी वहाँ बाल बच्चे थे, फिक्र थी उसे घर की। मुझे चलने के लिए कह रहा था, मगर मेरी मान तू चली जा। बड़े जमींदार के बाद यहाँ तो गिद्ध मंडला रहे हैं। तेरी भी जवान बेटी है बहन। हाँ जानती हूँ। ले बाबा रोटी। अच्छा बेटी, बिस्मिल्लाह करो बहन। मैं खा कर आई हूँ भाई, तुम बिस्मिल्लाह करो। कौन? आया आया, तुम खाना खाओ, मैं जाता हूँ। बाबा रोटी तो खा ले। बेटी तुम सब खा लो, मुझे जल्दी आना। कहाँ जा रहा है? रोटी तो खा ले। अभी नहीं जा रहा हूँ, तुम खाना खाओ। जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होता, समझो खतरे ही खतरा है। जब से ये नियाज की बीवी आई है ना, सारा काम ही गलत। चुप कर फातिमा, चुप कर। ऐसे में तो हवाएं भी दुश्मन हो जाती है, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पहुंचा देती है। चुप कर तू। जैनो तू रोटी खा ले बेटा, खा ले खा ले। अजीब ही अंदाज है उसका, पूरा इसरार सा।
सच पूछो तो मुझे भी एक आंख नहीं पाता। फयाज, माँ जी बहुत बेचैन थी। ये डॉक्टर ने इतनी ट्रैंक्विलाइजर्स क्यों दे रहे? हम जितने दिन वहां रहे उतने दिन माँ जी नशे में ही थी। मुझे लगता है कि इस कहानी में कोई ऐसी चीज जरूर है जो मुझे चुभ रही है, कोई गड़बड़ है। लेकिन तस्दीक किए बगैर भी तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। मैं अभी गांव जाऊंगा तो पता करके आऊंगा। आज फोन करके माँ जी की खैरियत तो पता कीजिएगा। जरूर। बेइज्जती होगी। जवान बेटी है, शाबाश शाबाश। गुलाम सिंह, तुम नहीं चाहते कि मियां जी के कातिल पकड़े जाएं? तुम्हें तो कानून की मदद करनी चाहिए ना। क्यों नहीं जी, मगर जी मुझे कोई पता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। जो कुछ तुझे पता है वो जाके लिखवा दो। जबार, ले जाओ इसको थाने, ले जाओ। थाने चलकर अपना बयान ही लिखवाना है ना। चला चल चल। अरे जा रहे, मुझे कोई बता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा।
قاتل نہیں ہے بابا، بہت زہر کا دل ہے، سارا گاؤں جانتا ہے، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی نہیں بولے گا، سب کی زبانیں پیٹ کے اندر اتر گئی ہیں، تو بچی کو دیکھ، ارے مت رو میرا، مت رو، اب بھی نہ رو، میرا گھر اجڑ گیا، میری بچی پہ اس درندے نے ہاتھ اٹھایا، اور تو کیا دیکھ، اب بھی نہ رو، میری ماں میرا تو بھائی کے پاس چلی جا، اسے بھیج دے، وہ سب سنبھال لے گا، اس نے منع کر دیا ہے کہ میں گاؤں نہیں چھوڑ سکتی، وہ جانتا ہے نا میرا بھائی کتنا جیت آ رہا ہے، اور پھر میں نام سہر کو چھوڑ کے وہ میری راہ دیکھ رہا ہوگا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس، ارے تو پاگل ہو گئی ہے کہ میرا، تو تھانے جائے گی اس سے ملنے، میری ماں چپکے سے رات کو گاؤں چھوڑ کے چلی جا، انا ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے اماں، ماما ان سب ظالموں کو ٹھیک کر دے گا، وہ بابا کو چھڑا لے گا، نہیں بیٹا، ارے تو تو پاگل ہو گئی ہے پاگل، ارے وہ تو درندے ہیں درندے، میں غلام حسین کو ان درندوں کے پاس چھوڑ کے نہیں جا سکتی، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مار کر بھاگتے دیکھا ہے، کرے گا، اقرار ضرور کرے گا، اسے شاید معلوم نہیں ہے کہ لاک اپ میں تو بڑے بڑے پتھر بول پڑتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں سر جی، لیکن خیال رکھنا اس کی عمر ذرا زیادہ ہے، اوکے سر، مجھے مت روک، مجھے مت روک، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، تو اندر چل کے بیٹھ، چھوڑ دو مجھے، چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤں کیا، ہاں اس لیے کہ میرا تیرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور دیکھ ہاشم تو ایک جوان بہن کا بھائی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اندر چل کے بیٹھ، چل میرا بیٹا، چل چل، ارے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ہم غریب کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاشم، کون لوگ تم جی، ہم جی، ہم جی غلام حسین سے ملنے آئے، تو کون ہے اس کی، وہ زینب کا باپ اور میرا خاوند ہے، اچھا تو تو بیوی ہے اس بڈھے کی، ہاں جی، آپ ہمیں اسے ملا لو، وہ ہماری راہ تکرا ہوگا، راہ تکرا ہوگا، وہ کسی کی راہ نہیں تکرا، بڑا مزے میں، کیا ہو رہا ہے یہ، اور یہ کون ہے، بیوی ہے غلام حسین کی، غلام حسین، وہی اپنے ذمہ دار کا قاتل، اچھا اچھا، نہیں نہیں وہ قاتل نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے، حوالدار صاحب آپ ہمیں اسے ایک دفعہ ملا دو، بی بی وہ تو سو رہا ہے، تم اسے کیسے ملو گی، کیسے سو سکتا ہے جی، وہ ایسے میں کیسے سو سکتا ہے، آپ ہمیں ملا دو جی، ہم آپ کو دعائیں دیں گے، پاگل ہو گئی ہے تو، قاتل ہے وہ، کیسے ملا سکتے ہیں تجھے اسے، ہوں نہیں جی، وہ قاتل نہیں ہے، میں جانتی ہوں قاتل کون ہے، میں جانتی ہوں اسے، اچھا چل، تو بھی کیا یاد کر رہی ہے، اچھا سن، زیادہ شور شرابہ نہ کرنا، ایسا نہ اس کی نیند خراب ہو، جا عبدل ملا دے انہیں، آجا غلام سین، اٹھ غلام سین، دیکھ دیکھ سو پائے، تیری زینا آئی ہے، غلام سین تو اٹھتا کیوں نہیں، کیسے سو گیا تو، ہمیں تو رت جگہ دیتی اور خود
कुछ हो गया। उठ जाओ गुलाम हुसैन, उठ जाओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे।